क्लास लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले आपको चार फैक्टर्स बताए थे, जिसमें से पहला फैक्टर था आपका कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर था कैटलिस्ट और लास्ट वाला फैक्टर था आपका नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि वन बाय वन करके हम चारों फैक्टर्स को आपका क्या करेंगे, डिटेल में आपका डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपका डिस्कस करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाला फैक्टर, कि कैसे कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को रिलेट करने वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को हम आपका इस वीडियो के अंदर आपका डिस्कस करेंगे। और उस एक्सप्रेशन का नाम होता है आपका रेट एक्सप्रेशन, या फिर उसी एक्सप्रेशन को हम रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, या फिर उसी रेट इक्वेशन को हम आपका रेट लॉ भी बोलते हैं आपका। तो ये रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन क्या है, जो आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन को रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन से आपका रिएक्ट करती है, वो समझने से पहले हम आपका कंसीडर करेंगे पहले आपका एक जनरल केमिकल इक्वेशन। तो जो जनरल केमिकल इक्वेशन हम आपका कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर हम आपका ले रहे हैं कि स्मॉल ए मोल्स आपके कैपिटल ए रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं स्मॉल बी मोल्स से कैपिटल बी रिएक्टेंट के, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं स्मॉल सी मोल्स आपके कैपिटल सी प्रोडक्ट के और स्मॉल डी मोल्स आपके कैपिटल डी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इन नटशेल मेरी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्मॉल ए मोल्स कैपिटल ए के स्मॉल बी मोल्स कैपिटल बी से रिएक्ट करके बना रहे हैं आपके स्मॉल सी मोल्स कैपिटल सी प्रोडक्ट के और स्मॉल सी डी मोल्स आपके कैपिटल डी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अब हम आपका इस केमिकल इक्वेशन के लिए आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखने जाएंगे, यानी कि वो एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसके अंदर आपका रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन से आपका रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी, जिसे हम सिंबल स्मॉल आर से आपका डिनोट करेंगे, उसे हम आपका लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं हम उसको, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स मैंने यहाँ पर क्या है, दो है आपके, एक कैपिटल ए रिएक्टेंट है और एक है मेरा कैपिटल बी रिएक्टेंट। तो इन दोनों रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी। तो यहीं पर मेरा आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन खत्म नहीं हो जाता आपका। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेस टू सम पावर। वो पावर आपकी क्या है, ईच रेस टू सम पावर, यानी कि हर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को आपको एक पावर से रेस करना है। तो मैं रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन को मैं आपका पावर x से रेस कर रही हूँ और रिएक्टेंट बी की कंसेंट्रेशन को मैं आपका पावर y से आपका रेस कर रही हूँ। ठीक है, और इस पावर्स की आपकी खासियत क्या है, ये पावर्स आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये पावर जैसे कि मैं अगर आपका कंसीडर कर रही हूँ पावर x, जो कि आपकी आपकी रिएक्टेंट कैपिटल ए की आपकी पावर है, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल ए की आपकी पावर है आपकी x, ये x आपकी जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपकी दे रखी है आपकी, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट एक कैपिटल ए के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट स्मॉल ए के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती आपकी। सिमिलरली ये जो पावर आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी की मैंने पावर आपकी वाई लिखी है आपकी, ये पावर आपकी इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपके रिएक्टेंट कैपिटल बी के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट स्मॉल बी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रिएक्टेंट्स रेस्ड टू सम पावर एंड दिस पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो पावर आपकी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मैंने लिखी है, ये पावर मेरी आपकी इन कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट्स की
के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट आपके स्मॉल ए और स्मॉल बी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती आपकी, यानी कि स्मॉल एक्स आपका स्मॉल ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और स्मॉल वाई आपका स्मॉल बी के इक्वल हो भी सकता है आपका और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन, और इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर हमारा जो पावर्स एक्स और वाई है आपके, इस पावर एक्स को हम आपका कहते हैं आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैपिटल ए। तो कैपिटल ए रिएक्टेंट का जो ऑर्डर है आपका इस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो आपका क्या है, वो है स्मॉल एक्स। सिमिलरली ये जो स्मॉल वाई है आपका वो है आपका, ये जो स्मॉल वाई आपकी पावर है वो है आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आपका रिएक्टेंट कैपिटल बी के। तो ये जो स्मॉल वाई है ये है आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैपिटल बी। तो स्मॉल एक्स है आपका कैपिटल ए रिएक्टेंट का ऑर्डर और स्मॉल वाई है आपका कैपिटल बी रिएक्टेंट का ऑर्डर। और अगर आपको बोला जाए इस केमिकल रिएक्शन का आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो उसके लिए आपको उस केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और उस रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर आपको ओवरऑल ऑर्डर आपको बताना पड़ेगा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेरा क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा आपका जो भी आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स की जो पावर्स हैं उनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल ऑर्डर आपको केमिकल रिएक्शन का मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके रिएक्टेंट्स की जो पावर्स हैं आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर वो है आपकी एक्स और आपकी है वाई, तो ओवरऑल ऑर्डर आपका रिएक्शन का हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आपको बोला जाऊं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका उस केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा ये बताओ, तो आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अंदर जो भी आपके रिएक्टेंट्स होंगे उन रिएक्टेंट्स की पावर्स को आप अगर ऐड कर दोगे तो आपको उस केमिकल रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर की आपको वैल्यू पता लग जाएगी। और अगर आपको बोला जाए कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैपिटल ए के लिए आप ऑर्डर बताओ और पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैपिटल बी के लिए आप ऑर्डर बताओ, तो कैपिटल ए का जो आपका ऑर्डर होगा वो आपका होगा स्मॉल एक्स, क्योंकि कैपिटल ए की पावर आपकी क्या है, स्मॉल एक्स है आपकी। सिमिलरली कैपिटल बी की पावर क्योंकि आपकी स्मॉल वाई है इसलिए कैपिटल बी रिएक्टेंट का जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, स्मॉल वाई के इक्वल है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको बोला जाए कि ऑर्डर जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो आपका क्या होता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है आपका वो होता है आपका जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर है उन कंसंट्रेशन टर्म्स की जो आपकी पावर्स हैं उसके एडिशन के इक्वल होता है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी डेफिनेशन हो गई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की वो आपकी क्या हो गई, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यानी कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी प्रेजेंट है उनकी पावर्स के एडिशन को यानी कि सम करने के बाद उनकी पावर्स को ऐड करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आती है वो आपकी उस रिएक्शन की क्या होगी, ऑर्डर की आपकी वैल्यू होगी। और अगर आपको बोला जाए कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर बताओ किसी भी रिएक्शन का, तो आपको उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की पावर आपको देखनी पड़ेगी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कैपिटल ए रिएक्टेंट का ऑर्डर बताओ आप इस रिएक्शन के लिए, तो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए जो आपका रिएक्टेंट है उसकी आपको पावर आपको देखनी पड़ेगी जो कि आपकी एक्स है, तो एक्स हो जाएगा आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैपिटल ए। सिमिलरली वाई हो जाएगा आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैपिटल बी। ठीक है, तो अब हम आपका क्या करेंगे, अब हम आपका हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम आपका एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं आपका। ठीक है, तो अब हम आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में मैंने आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया
तो रेट ऑफ द रिएक्शन का इक्वल किसके इक्वल होगा आपका स्मॉल के, दिस इज नॉट कैपिटल के, दिस इज अ स्मॉल के, तो स्मॉल के, तो ये मेरा क्या है कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है जो मैंने आपका लगाया है इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए आपका, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल में हो जाएगा ये कांस्टेंट स्मॉल के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, और ये जो कांस्टेंट है आपका इसको एक्चुअल में हम आपका बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये मेरा रेट लॉ के एक्सप्रेशन का क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से आपका इस रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन आपकी अगर मैं निकालना चाहूं तो आपकी क्या होगी, अगर मेरी रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी दोनों की कंसंट्रेशन वन हो जाए तो मेरा रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों ही आपका अगर वन हो जाए आपका, ठीक है, तो उस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है आपका वो उस रिएक्शन के रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो, यूनिटी हो। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी रेट कांस्टेंट की। तो क्योंकि रेट कांस्टेंट मेरा एक्चुअली रेट ऑफ द रिएक्शन ही है, लेकिन किन कंडीशंस में आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, जब मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेरी क्या है यूनिटी है, यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल बी जो मेरे रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन मेरी आपकी क्या है यूनिटी है। तो इसीलिए मैं आपका रेट कांस्टेंट को हम आपका आपका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या है कि रेट कांस्टेंट मेरी वो रेट ऑफ द रिएक्शन है जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी क्या है वन है, यानी कि रेट कांस्टेंट मेरा मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल है किन कंडीशंस के अंदर, किन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, जब मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी वन है, तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट मेरा आपका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही होगा आपका। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या है कि रेट कांस्टेंट मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। तो वो मेरी तो इसलिए हम आपका रेट कांस्टेंट को आपका स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, क्लियर। तो अब हम आपका रेट कांस्टेंट की आपकी यूनिट्स अब हम आपका पढ़ेंगे कि कैसे हम आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आपका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपका बाकी का मिटो रही हूं और अब हम आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को आपका निकालेंगे, ठीक है, कि कैसे आपका सपोज करो आपका मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट कैपिटल आर आपका प्रोडक्ट पी के अंदर आपका कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है, और वो रेट उस रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपको ये दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर एन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर एक ही रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म के, लेकिन और उसकी पावर मैंने आपकी एन मान ली आपकी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल आर रेज टू दी पावर स्मॉल एन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो क्योंकि इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो मैंने आपका अभी लिखा है जिसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ द रिएक्शन मेरी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर स्मॉल एन, तो क्योंकि इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल एन है, तो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी आपका क्या होगा स्मॉल एन होगा। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है आपका, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका क्या होगा स्मॉल एन होगा।
अगर मेरे दो रिएक्टेंट्स होते तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आपके दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काम आती और दोनों की पावर्स आती, तो उस केस में आप रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए आप दोनों पावर्स को ऐड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म है जिसका जिसका आप जिसकी पावर आपकी स्मॉल एन है, तो यही मेरा आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा आपका। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया आपका स्मॉल एन। तो अगर मैं यहां से आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं तो ये आपका क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके मुझे आपका स्मॉल के यानी कि रेट कांस्टेंट भी आपका लगाना पड़ेगा, जिसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं आपका। तो रेट कांस्टेंट ये आएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय आपका आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रेज टू द पावर स्मॉल एन। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन यहां से क्या आएगा, वो आएगा रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्मॉल एन, यही आएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि जो मेरी रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट्स हैं उसको मैं अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एन से डिवाइड कर दूंगी तो मेरी ओवरऑल आपकी रेट कांस्टेंट की आपकी क्या आ जाएंगी, यूनिट्स आ जाएंगी आपकी। ठीक है, पर हमें पता है किसी भी रिएक्शन के रेट की यूनिट आपकी क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है आपका, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, यही होता है आपका। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूं तो वो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूं तो वो क्या होगा आपका, वो होगा माइनस में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैपिटल आर यानी कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी यानी कि टाइम टेकन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट्स आपकी क्या होंगी, वो होंगी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की यूनिट के अपॉन टाइम की यूनिट के इक्वल होगी आपकी, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में आपका कंसंट्रेशन है आपका और डिनोमिनेटर में आपका टाइम है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट होगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की यूनिट। तो हमने यहाँ पर रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में आपका लगा दिया, रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होगी आपकी, कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। ठीक है, अब अपॉन में मुझे लगाना है, अब मेरा अपॉन में क्या है आपका, ये तो रेट ऑफ द रिएक्शन की मैंने आपकी यूनिट्स लिख दी यहाँ पर। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन की मैंने ये यूनिट्स लिख दी आपकी क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की यूनिट। अब अपॉन अपॉन में क्या है आपका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन, तो अपॉन में आपकी क्या यूनिट आएगी आपकी, वो आपकी आएगी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन की यूनिट आएगी, तो यानी कि कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन की यूनिट आएगी आपकी। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी आपकी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन, ये वाली यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर कंसंट्रेशन की पावर वन है और डिनोमिनेटर में आपका कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल एन है, तो जब ये वाला कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल एन इस न्यूमरेटर वाले कंसंट्रेशन के साथ क्लब अप होगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ वन माइनस एन, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर वन है आपकी न्यूमरेटर के अंदर और कंसंट्रेशन की पावर एन है स्मॉल एन है आपकी डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, तो अब आपका अगर आपका बेस सेम हो यानी कि कंसंट्रेशन अगर सेम हो तो पावर्स आपकी माइनस हो जाती है अगर वो आपकी डिविजन में होता है, तो क्योंकि कंसंट्रेशन मेरा दोनों कंसंट्रेशन आपके डिविजन में है तो इनकी पावर्स आपकी क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको मैं आपका कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन अपॉन आपका टाइम, तो यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आपकी क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन अपॉन टाइम, तो यानी कि रेट कांस्टेंट के की यूनिट फाइनली आ गई आपकी कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन अपॉन टाइम की यूनिट्स के। तो अब मैं आपका यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट्स लिखूंगी और इसके लिए मैं आपका ये वाला फॉर्मूला आपका यूज करूंगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट्स nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर आपका nth है उसके लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होंगी वो आपकी होगी कंसंट्रेशन की पावर
वन माइनस एन अपॉन टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स होंगी उसकी पावर हम वन माइनस एन कर देंगे अपॉन नीचे हम आपके टाइम की यूनिट्स करेंगे, तो आपको रेट कांस्टेंट की आपको आपकी क्या आ जाएंगी, यूनिट्स आ जाएंगी। और ये कांस्टेंट रेट कांस्टेंट आपका क्या है, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, तो इसलिए मैं आपका इस रेट कांस्टेंट के सब्सक्रिप्ट में मैंने आपका क्या लगा दिया, n लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन की यूनिट पावर में वन माइनस एन अपॉन टाइम की यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेरा रेट कांस्टेंट को की यूनिट्स को डिराइव करने का आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका। ठीक है, तो अब हम आपका एक एक करके आपका जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके जो अलग अलग टाइप के ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं उनके लिए हम आपका रेट कांस्टेंट की क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी वो वाली केमिकल रिएक्शन कंसिडर करेंगे जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो है, यानी कि आपका मैं कंसीडर करूंगी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर आपका क्या है, जीरो है, यानी कि जिनके लिए एन की वैल्यू आपकी क्या है, जीरो है। तो ऐसे ऑर्डर ऐसी रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट क्या होगी आपकी, तो उसकी यूनिट का जो फॉर्मूला है ये मैंने आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करूंगी, तो मैं लिखूंगी आपका के और सबस्क्रिप्ट में आपका n है, तो n क्योंकि मेरा जीरो है तो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा आपका जीरो। इसका मतलब होगा ये रेट कांस्टेंट मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा रेट कांस्टेंट होगा k जीरो। सिमिलरली अगर मैं सबस्क्रिप्ट में वन लिख दूंगी तो वो हो जाएगा मेरा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं सबस्क्रिप्ट में टू लिख दूंगी तो वो हो जाएगा मेरा रेट कांस्टेंट फॉर दी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो क्योंकि मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर रही हूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसे हम के जीरो से आपका रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सबस्क्रिप्ट में हम आपका जीरो लिखेंगे। तो इस रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स होंगी वो आपकी किसकी यूनिट्स होंगी, वो होंगी कंसंट्रेशन की यूनिट पावर में वन माइनस एन है आपका, तो एन आपका क्या होगा, एन आपका जीरो है हमारी रिएक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो, तो n की जगह मैंने आपका जीरो पुट कर दिया अपॉन जो आपकी टाइम की यूनिट होगी वो। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो रेट कांस्टेंट होगा k जीरो उसकी यूनिट होगी आपकी कंसंट्रेशन की यूनिट की पावर वन, वन माइनस जीरो मतलब आपका क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर वन अपॉन जो आपकी टाइम की यूनिट है वो। ठीक है, अगर हम आपका कंसंट्रेशन की यूनिट आपका अगर हम मोल पर लीटर ले रहे हैं तो उस केस में, और अगर हम आपका कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर ले रहे हैं और टाइम की यूनिट आपकी सेकंड्स ले रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी यानी कि के जीरो की जो यूनिट होगी वो आपकी होगी कंसंट्रेशन की यूनिट यानी कि मोल पर लीटर अपॉन टाइम की यूनिट यानी कि पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर मेरे रिएक्टेंट्स आपके गैसियस स्टेट में है तो उस केस में हम आपका कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, आपका प्रेशर यूज करेंगे, तो उस केस में मेरा यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएगा, तो मेरी यूनिट हो जाएगी आपकी प्रेशर की यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट। तो उस सिचुएशन में मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट के जीरो है उसकी यूनिट हो जाएगी आपकी प्रेशर की यूनिट, तो उस केस में ये हो जाएगी आपकी प्रेशर की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, तो यानी कि प्रेशर की यूनिट की पावर वन अपॉन टाइम की यूनिट। तो अगर मेरा प्रेशर मैं एटमॉस्फेयर में आपका मेजर कर रही हूं और टाइम मैं सेकंड्स में मेजर कर रही हूं, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का, क्या बन जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट यानी कि पर सेकेंड आपका। तो यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आई वो आपकी आई मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर एटमॉस्फेयर पर सेकंड। तो मैं आपका यहाँ साइड में आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट्स लिखती जा रही हूं आपकी, तो आपका यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट
ठीक है वो मैं लिख रही हूं। तो पहला मैं आपका लिख रही हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि जब आपका एन की वैल्यू आपकी जीरो है। तो अगर आपका रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है उस केस में जो यूनिट होगी आपकी के जीरो की, यानी कि रेट कॉन्स्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपकी यूनिट होगी वो होगी आपकी या तो होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहां से मैंने आपकी कॉपी की है, या फिर होगी एटमोस्फेयर पर सेकेंड, और होगी आपकी एटमोस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम आपका कंसीडर करेंगे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर आपका क्या है फर्स्ट है। तो यहां से जीरो से हटा करके मैं अब आपका कर दूंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी आपकी, और यहां पर के रेट कांस्टेंट के जो सब्सक्रिप्ट में एन है यहां पर मैंने पहले आपका जीरो लिखा था, अब जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा रेट कांस्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा रेट कांस्टेंट हो जाएगा के सब्सक्रिप्ट में आपका वन। ठीक है, तो इसके लिए इसकी आपकी क्या यूनिट्स होंगी, उसके लिए मुझे कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन करना पड़ेगा। तो हमारा कंसंट्रेशन की पावर यहां पर वन माइनस एन करना पड़ेगा, और एन अब मेरा क्या है वन है आपका, तो मेरा होगा ये वन माइनस वन, तो यानी कि हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम की यूनिट, तो यानी कि जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो मेरी होगी वन माइनस वन, यानी कि हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर आपकी जीरो अपॉन टाइम की यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर जीरो अपॉन टाइम की यूनिट। तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, किसी की भी पावर जीरो हो जाती है तो वो हो जाता है वन, तो यानी कि ये कंसंट्रेशन की पावर जीरो का मतलब है वन अपॉन आपका टाइम की यूनिट। तो यानी कि अगर मेरा रिएक्शन आपका रिएक्शन इस तरीके का है कि उसका ऑर्डर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए एन स्मॉल एन की वैल्यू वन होगी, और जो रेट कांस्टेंट होगा आपका के वन जो होगा आपका एन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट होगी कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन, और एन की वैल्यू आपकी वन है तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस वन अपॉन आपका क्या हो जाएगा टाइम। और किसी की भी कंसंट्रेशन की किसी की भी पावर अगर आपकी वन माइनस वन यानी कि अगर जीरो हो जाए तो आपका कंसंट्रेशन की पावर जो हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी जीरो हो जाएगी आपकी, क्योंकि वन माइनस वन आपका जीरो के इक्वल है, और अगर किसी की भी पावर आपकी जीरो हो जाती है तो वो आपका वन के इक्वल हो जाता है। तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो का मतलब ये वन हो गया, और डिनोमिनेटर में हमने टाइम आपका एज इट इज रखा आपका, तो रेट कॉन्स्टेंट जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आएगा उसकी जो यूनिट होगी वो आपकी वन अपॉन टाइम की यूनिट होगी। तो वो यूनिट अगर मैं टाइम को आपका सेकेंड में ले रही हूँ तो जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो होगी आपकी पर सेकंड की यूनिट होगी। तो यहां पर आपका क्योंकि कंसंट्रेशन वाली टर्म आपकी एक तरीके से वैनिश ही हो गई है यूनिट के अंदर आपका, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर जीरो हो गई है आपकी। तो यहां पर अगर मेरे रिएक्टेंट्स आपके गैशियस स्टेट में भी होंगे तो मैं यहाँ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख दूंगी, तो उसकी भी पावर मेरी जीरो ही होगी, तो ऊपर आपका वन ही आएगा आपका। तो उस केस में भी आपका जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो आपकी वन अपॉन टाइम ही होगी। तो यानी कि चाहे मेरे रिएक्टेंट्स आपके कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस हो चाहे प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्रेस हो, आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी क्या होगी पर सेकेंड ही होगी आपकी। तो यानी कि आपके अगर मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेरा वन हो जाता है, यानी कि एन की वैल्यू अगर वन हो जाती है, ऑर्डर आपका वन हो जाता है, तो मेरा जो यूनिट होगी आपकी रेट कांस्टेंट की जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगी, यानी कि के वन की जो यूनिट होगी वो आपकी होगी आपकी पर सेकंड की होगी आपकी। अब हम आपका लिखेंगे आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो अब मैं फर्स्ट की जगह आपका क्या कर दूंगी सेकंड कर दूंगी, और एन की वैल्यू वन की जगह अब आपका क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी वो अब हम आपका देखते हैं। तो जहां पर भी आपका वन है वो आपका वन आ जाएगा वहां पर, जहां पर भी आपका सॉरी वन है उसकी जगह पर आपका टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम आपका वैल्यू लिखेंगे। अब हम लिखेंगे आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी उसके लिए आपका स्मॉल एन की वैल्यू टू हो जाएगी। तो स्मॉल एन की वैल्यू टू अगर मैं आपका इस एक्सप्रेशन के अंदर रखूंगी तो आपका क्या आएगा
के सबस्क्रिप्ट में एन है और एन की वैल्यू आपकी क्या है, टू है, तो हम यहाँ लिख देंगे के सबस्क्रिप्ट में टू। तो इसका मतलब ये हो गया रेट कॉन्स्टेंट मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, आपका स्मॉल के और सबस्क्रिप्ट में आपका टू लिखेंगे, ठीक है। और अब आपका ये हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस एन, और एन की जगह मैं आपका टू पुट करूंगी, तो ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस टू अपॉन आपका टाइम, तो अपॉन टाइम मैंने एज इट इज लिखा है आपका, ठीक है। तो अब मेरा कंसंट्रेशन की पावर वन माइनस टू, वन माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी कि के टू के लिए जो यूनिट होगी वो आपकी होगी कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन की जो यूनिट है उसका इनवर्स यानी कि माइनस वन अपॉन जो आपकी टाइम की यूनिट है वो। तो अगर मैं कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ले रही हूँ और टाइम आपका सेकेंड्स में ले रही हूँ आपका, तो रेट कॉन्स्टेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका यूनिट होगी आपकी रेट कॉन्स्टेंट की वो आपकी क्या होगी, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी यानी कि के टू की जो यूनिट होगी वो आपकी होगी कंसंट्रेशन की पावर माइनस वन, और कंसंट्रेशन मैं मोल पर लीटर में ले रही हूँ तो ये मोल पर लीटर की पावर माइनस वन अपॉन टाइम की यूनिट के इक्वल होगा। तो टाइम मैं आपका सेकेंड्स में ले रही हूँ तो नीचे मैंने आपका सेकेंड लिख दिया। तो रेट कॉन्स्टेंट, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट यानी कि के टू की यूनिट हो जाएगी आपकी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन को हम अंदर लेके आएंगे तो मोल के साथ माइनस वन आ जाएगा और लीटर का आपका प्लस वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स और लीटर का आपका प्लस वन हो जाएगा, और ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये आपका पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कॉन्स्टेंट है आपका यानी कि के टू जो है उसकी यूनिट होगी पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यानी कि अगर एन की वैल्यू टू होती है आपकी यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर आपका टू होता है उसके लिए आपकी जो यूनिट होगी आपकी रेट कॉन्स्टेंट की यानी कि के टू की वो होगी आपकी मोल पर मोल लीटर सेकेंड यानी कि पर मोल लीटर पर सेकेंड। और अगर सपोज करो मेरा यहाँ पर मेरे रिएक्टेंट्स जो है वो गैसियस स्टेट में है तो उस केस में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर की पावर माइनस वन अपॉन टाइम की यूनिट। और अगर मैं प्रेशर को आपका एटमॉस्फेयर में मेजर कर रही हूं तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर की पावर माइनस वन अपॉन टाइम की यूनिट। टाइम की यूनिट को अगर मैं सेकंड में मेजर कर रही हूं तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट हो जाएगी आपकी एटमॉस्फेयर की पावर माइनस वन यानी कि प्रेशर की यूनिट की पावर माइनस वन। प्रेशर की यूनिट आपकी है एटमॉस्फेयर, अगर मैं एटमॉस्फेयर ले रही हूं तो एटमॉस्फेयर की पावर माइनस वन अपॉन टाइम की यूनिट। टाइम की यूनिट होगी आपकी सेकेंड, और इस सेकेंड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पर सेकेंड। तो यानी कि यूनिट हो जाएगी आपकी पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो यानी कि रेट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कॉन्स्टेंट है के टू उसकी जो यूनिट होगी वो आपकी या तो होगी पर मोल लीटर पर सेकेंड या फिर होगी आपकी पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड अगर मेरे रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है तो, ठीक है। और अगर मैं प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में और टाइम आपका सेकेंड्स में मेजर कर रही हूं तो, ठीक है। सो विद दिस हमने आपका तीनों ऑर्डर जो रिएक्शंस के होते हैं जो आपके सिलेबस में है बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तीनों ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मैंने आपका रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट आपकी डिराइव कर ली है, ठीक है। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी यानी कि के जीरो की जो यूनिट होगी वो होगी आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर होगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपके रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी यानी कि जो के वन की यूनिट होगी वो आपकी पर सेकेंड होगी, चाहे मेरा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस हो चाहे वो प्रेशर की टर्म्स में एक्सप्रेस हो यानी कि गैसियस स्टेट में हो, चाहे मेरा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो चाहे वो आपका कंसंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस हो, यूनिट आपकी यही रहेगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट की यानी कि पर सेकेंड ही रहेगी। सिमिलरली अगर मेरा रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड है यानी कि एन की वैल्यू टू है तो उस केस में आपके रेट कॉन्स्टेंट की जो यूनिट होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के यानी कि जो के टू की यूनिट होगी वो आपकी होगी पर मोल लीटर पर सेकेंड या फिर पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो यहां से हम देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट है वो अलग है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट अलग है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट अलग है। तो इसका मतलब अगर आपको किसी भी रिएक्शन के का रेट कॉन्स्टेंट अगर आपको पता है
तो उस रेट कांस्टेंट की यूनिट के हेल्प से आप बता सकते हो कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अगर किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड है या फिर एटमॉस्फेयर पर सेकंड है तो इसका मतलब उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा आपका जीरो होगा। अगर किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट पर सेकंड है तो इसका मतलब उसका ऑर्डर आपका क्या होगा वन होगा, यानी कि टाइम इनवर्स की यूनिट है आपकी। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा रिएक्शन इस तरीके का है कि उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का की यूनिट आपकी पर मोल लीटर पर सेकंड है या फिर पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड है तो इसका मतलब उस रिएक्शन का ऑर्डर आपका क्या होगा टू होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट्स अगर पता लग जाए तो उस यूनिट्स की हेल्प से मैं ये बता सकती हूँ कि उस आपका रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे आपके। ठीक है, तो हम आपके न्यूमेरिकल्स जो है जितना पार्ट मैंने इस वीडियो के अंदर आपका कवर किया है उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका लूंगी। ठीक है, सो विद दिस ये वाला वीडियो आपका खत्म होता है।